हादसे की, तो इस हादसे में अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पूरे देश में ग्रुप कैप्टन की सलामती की दुआएं लगातार जारी हैं। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण अकेले ही बचे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 की मौत हो चुकी है। भोपाल में कैप्टन वरुण सिंह के माता पिता रहते हैं। वरुण के पिता केपी सिंह सूचना मिलने के बाद वेलिंगटन पहुंचे और वरुण को इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। कैप्टन वरुण सिंह काफी साहसी थे। इससे पहले भी एक हादसे का वो शिकार हो चुके थे, जिसमें साहस दिखाया उन्होंने और इसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित भी किया था। और इस हादसे में अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे थे, जिनका वेलिंगटन में इलाज जारी है। तो पूरे देश में ग्रुप कैप्टन की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले बचे हैं। हेलीकॉप्टर में आपको बता दें 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 का निधन हो चुका है और एक अकेले ग्रुप कैप्टन साहसी ढंग से अभी भी जिंदगी की जंग अस्पताल में लड़ते हुए। हालांकि पूरे देश में ग्रुप कैप्टन की सलामती की दुआएं लगातार जारी हैं। वरुण के पिता केपी सिंह सूचना मिलने के बाद वेलिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं और वरुण को इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। भोपाल में कैप्टन वरुण सिंह के माता पिता रहते हैं और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार हुआ, तो वरुण के पिता केपी सिंह वेलिंगटन पहुंचे, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है। तो पूरे देश में ग्रुप कैप्टन की सलामती की दुआएं हो रही हैं। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण अकेले बचे हैं। इस हादसे में आपको बता दें CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी और तमाम टॉप ऑफिशियल्स का निधन हो चुका है। चलिए अब सीधे सहयोगी आकाश का हम रुख करेंगे। आकाश, केपी सिंह यानी कि उनके पिताजी के घर के सामने हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, कह सकते हैं कि काफी दुखद ये क्षण है, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं कैप्टन वरुण सिंह। वहां पर क्या माहौल है अभी? जी वंदिका, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैप्टन वरुण के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं केपी सिंह जी, यहाँ पर इनके पिता और उनकी माँ रहती थी और यहाँ पर, यहाँ से जैसे ही सूचना मिली है तो वो लोग अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर उनके पड़ोसी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पंडित सर हैं। सर, कर्नल पंडित सर, सर आपकी बात होती रहती होगी वरुण से, किस तरीके से थे और क्या अभी तक सूचना मिली? बात नहीं होती रहती ज़्यादा करके, बात हमारी कर्नल केपी सिंह सर होती रहती है और वो आए थे यहाँ से तकरीबन 20-25 दिन पहले यहाँ पे आए थे, तब मिले थे। बहुत ही हंसमुख चेहरा और हंसमुख है वो। और अभी उनके साथ जो हादसा हुआ, हम तो पहले तो शॉक में थे, क्या हो गया। हमने कोशिश की कल शाम को, पहले दोपहर को जब पता चला उनको कांटेक्ट करने की केपी सिंह साहब को, मगर उनका कोई वो स्विच ऑफ तो आ रहा था, पर भी रात को उनसे बात हो गई। वो बोल रहे हैं कि वो अभी सिर्फ हम दुआ करें उनके लिए और कुछ नहीं, क्योंकि 45% बर्न्स उसको हुए हैं, ऑपरेशन एक हो चुका है, अभी रात ठीक निकल गई है, ही स्टेबल, ये है उनका। वरुण जी यहाँ भी भोपाल भी आते रहे हैं, तो उनसे आपकी कोई बात हुई हो? नहीं, वैसे मिलते रहते हैं हम, क्या बात एग्जैक्टली अभी थोड़ी याद है, अभी इस टाइम के ऊपर क्या भी ऐसा हादसा होगा तो बात याद है। उन्होंने 10,000 फीट से अपने चॉपर को लेने, चॉपर नहीं, उनका फिक्स्ड विंग था तेजस, तेजस के, क्योंकि वो एक तरह से वो है टेस्ट पायलट भी है, तो उसको प्लेन को ऊपर जब उनका 10,000 फीट के ऊपर सारे अंदर के सब कुछ फेल हो गया, मतलब एक तरह से एक सिर्फ डब्बा ही रह गया सिर्फ, उन्होंने उस प्लेन को भी रिहायशी इलाकों से दूर करके और फिर उसको लैंड करवाया, प्लेन भी बचाया और जो जो खराबियाँ उसमें, जो जो कमियाँ होंगी वो भी अभी डिटेल में बताया होगा, जिससे आगे के लिए आप इम्प्रूवमेंट कर सको और ये हादसा दोबारा ना हो। तेजस जैसे विमान को उन्होंने रिहायशी इलाका बचा के सेफ्टी से लैंड कराया, आपको नहीं लगता जो चॉपर था जिसमें चॉपर का जो है उसमें वो अलग चीज़ होती है, चॉपर जो है उसका आप बाहर इजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर एक रोटर चल रहे होते हैं, उसमें आपके कट जाओगे, पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे भी रोटर होता है। यहाँ पर कौन कौन रहता था इस घर में? कौन इस घर में? उनके पिताजी और उनकी माताजी दोनों रहते हैं। कब यहाँ से रवाना हुए? ये हो गए परसों, कोई चार पाँच दिन पहले निकल गए यहाँ से। चार पाँच दिन, हाँ, पहले रवाना हो गए। तो आपने सुना
अवंतिका की 4-5 दिन पहले ही रवाना हो गए थे। काफी दुखद घटना है और जो पड़ोसी हैं उनका कहना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकर्ष इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन कर्नल केपी सिंह के पड़ोसियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि फोन पर बात हुई है, फिलहाल कैप्टन वरुण की हालत स्टेबल है, इलाज उनका लगातार जारी है वेलिंगटन में और यही दुआ की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए तो ये हादसे से पहले का वीडियो आपको दिखा देते हैं। हादसे से चंद मिनटों पहले का ये वीडियो है जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा था हवा में और उसी की ये तस्वीरें हैं। और इससे कुछ ही देर बाद ये जो हेलीकॉप्टर आप स्पॉट कर पा रहे हैं वो हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और तमाम टॉप ऑफिशियल्स सवार थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से उस हेलीकॉप्टर को भी लोग पहले ही स्पॉट कर चुके थे जो कि आगे जाकर हादसे का शिकार हुआ था। हादसे में अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बचे हैं जिनका इलाज आर्मी अस्पताल में लगातार जारी है। हालांकि जब उनके पड़ोसियों से बात की गई, कर्नल केपी सिंह, वरुण सिंह के पिता, जब उनके पिता के पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी हालत कहीं ना कहीं स्टेबल बनी हुई है, लगातार दुआएं की जा रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि CDS के हेलीकॉप्टर को लोग पहले ही स्पॉट कर चुके थे। हादसे से पहले का वीडियो भी अब सामने आ चुका है, लगातार तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, इसकी भी तस्वीरें आपको कुछ ही क्षणों पहले दिखाई थी। हादसे से पहले का वीडियो सामने आया, साथ ही ब्लैक बॉक्स भी सामने आ चुका है। CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर धीरे धीरे कर तमाम अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी और एक एक फैक्ट पर जांच की जाएगी, हर एक पहलू को समझा जाएगा कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ। फिलहाल हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स सामने आ चुका है और कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से हादसे से कुछ ही मिनटों पहले उस हेलीकॉप्टर को भी लोगों ने स्पॉट किया था जो कि आगे जाकर हादसे का शिकार हुआ। उस ब्लैक बॉक्स को लेकर भी तमाम तफ्तीशें की जाएंगी और देखा जाएगा कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ था। बहुत सारी उम्मीदें और दुआओं के हाथ जरूर वरुण सिंह के लिए उठते हुए, क्योंकि इस पूरे हादसे में केवल वरुण सिंह ही हैं जो जीवित बचे हैं, उनका इलाज लगातार जारी है। तो CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी तमाम अधिकारियों के हाथ लगा है, उसको लेकर भी अब लगातार जांच की जाएगी। CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और एक तरफ तस्वीरें जहां हेलीकॉप्टर को हादसे से कुछ ही क्षणों पहले स्पॉट किया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया गया हादसे से कुछ ही क्षणों पहले। लोगों ने देखा किस तरह से वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, लेकिन हालांकि तब तक देखा गया कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी सर वो नहीं सामने आई थी। हालांकि कुछ देर बाद वो हादसे का शिकार हुआ। हादसे का पहले का वीडियो और हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी अब हाथ लग चुका है। वायुसेना अध्यक्ष भी सुबह पहुंचे थे और उन्होंने भी जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे हादसे को लेकर। तो लगातार अब जांच का सीक्वेंस आगे बढ़ेगा और तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आती रहेंगी। फिलहाल आपको दो तस्वीरें दिखा रहे थे, CDS के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स सामने आ चुका है, दूसरी तरफ हादसे से पहले की तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें भी कल दिन भर आपको दिखा रहे थे हम बंसल न्यूज पर, काफी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था।